चुनावी महादंगल 2019 आ गया है लोकतंत्र का सबसे बड़ा संग्राम। कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन होगा किंग मेकर या फिर राष्ट्रवाद रहेगा हावी। देखिए 2019 की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ INN24 न्यूज पर सलीम रहमान के साथ। नमस्कार, चुनावी महादंगल 2019 में आपका स्वागत है और स्वागत की आखिरी बेला। हर अलग अलग चरणों में इलेक्शन है। 11 तारीख 11 अप्रैल का पहला चरण देश का वो महाराष्ट्र के विदर्भ की 8 सीटों पर है और अनेक जगह भी है। और मेरे साथ बात करने के लिए, जैसा कहा जाता है राजनीतिक भाषा पे, कि आखिरी रात कत्ल की रात होती है और इस रात को ऊपर निगाह रखने के लिए यूपी के कांग्रेस प्रभारी और दिल्ली के कांग्रेस पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है और नागपुर से युवा सक्रिय कार्यकर्ता कहा जाए कांग्रेस के समीर जी भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। आइए हम बात करते वाकये पे, जो राजनीतिक भाषा पे जिसको कत्ल की रात कहा जाता है, क्या वाकये पे वो कत्ल की रात होती है या फिर कितनी ज़्यादा उस पर निगाह रखी जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कांग्रेस दिल्ली पदाधिकारी जी से। सर, जैसा मैंने आप लोगों की भाषा में कहा आखिरी रात कत्ल की रात, कितनी निगाह, कितनी पहली निगाह होती, शासन प्रशासन तो रखती थे लेकिन उसके बावजूद आप लोग की भी निगाह हर बूथ में, हर मोहल्ले पे, हर गली पे होती है। बिल्कुल, राजनीति में और प्रजातंत्र लोकतंत्र में, चुनाव की प्रक्रिया में आज की रात जो आपने भाषा बोली तो हमारे गाँव की भाषा में भी इसको कत्ल की रात बोली जाती है और सच्चाई यही है, क्योंकि ये वो रात है जिसमें सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं राजनीतिक लोगों के द्वारा। तो आज की परिस्थिति में मैं यहाँ पिछले एक हफ्ते से हूँ और AICC के माध्यम से मुझे यहाँ ड्यूटी मिली है, तो मैं जो देख रहा हूँ कि अभी हम लोग बूथ बूथ होके आए हैं, हमारे हर बूथ में एजेंट लगा है कि नहीं, एजेंट नियुक्त हो गया कि नहीं, वो पूरी हम निगरानी रखे हैं। और जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि पब्लिक के बीच में जब हम गए, पब्लिक का ये कहना है, इतना आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मोदी गवर्नमेंट के प्रति कि किसी भी तरह हमें इस सरकार को बदलना है, लेकिन एक ही डर उनके मन में, पब्लिक में जो सुनने को मिल रहा है कि नितिन गडकरी जी और मोदी जी ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि ये EVM में कुछ भी कर सकते हैं, ये एक डर पब्लिक में है। अगर ये नहीं होता तो चुनाव तो सुबह ही जीत गए हैं, ये पब्लिक का कहना है और हम उस तैयारी में पूरी तरह से दिन रात लगे हुए हैं। आज की रात भी हम पूरी निगरानी पर हैं कि जैसी की संभावना यहाँ नागपुर में है कि जनता तो नाना भाई पटोले को जिता चुकी है उनकी भावनाओं के अनुसार, लेकिन इनके वो हथकंडों को रोकने के लिए हम लोग सजग हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता सजग है, हमारा एक एक वोटर सजग है और हमें पूरा उस वोटर की भावनाओं को देखकर, उसकी कार्यप्रणाली को देखकर, उसकी सक्रियता को देखकर पूरा विश्वास है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। सारे अधिकारियों को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और हम रात भर चौकन्ने और निगाह रखते रहेंगे। मेरे साथ यूपी से कांग्रेस प्रभारी जी मौजूद है। कहा जाता है कि यूपी और महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र भी पीछे बोल दूँ तो चलेगा, यूपी एक राजनीतिक स्तर पे या हर स्तर पे यूपी आगे होता है, यूपी भी भविष्य तय कर सकता है और महाराष्ट्र भी भविष्य तय कर सकता है 2019 का, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये चुनाव 19 का चुनाव ये गांधी विचारधारा और गोडसे विचारधारा के बीच का चुनाव है और जो लोग काबिज हैं आज सत्ता में वो गोडसे की विचारधारा के लोग हैं और इनका जो मोटो है ये देश को जिस तरीके से पूंजीवादियों के गोद में बैठकर इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हैं उनका मुखौटा मात्र है, ये इसको कॉर्पोरेट घराना इस देश की सरकार को चला रहा है, ये इस देश की जनता भलीभांत समझ चुकी है। आज रहा चुनाव नागपुर का चुनाव, मैं उस दशकोण से, मैं एक हफ्ते से यहाँ पे घूम रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जो मेरे अनुभव जो कहता है राजनीतिक अनुभव, मुझको ये लग रहा है ये चुनाव धन बनाम जन है चुनाव। नाना पटोले जी के साथ यहाँ का जो गरीब गुरबा अपेक्षित जो इस तरीके से सरकारी खोखले नारों के साथ जो लोग घूम रहे हैं, लेकिन जो सच्चे में
जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं वो सारे लोग नाना भाऊ पटोले जी के साथ हैं। और मुझको जो लग रहा है लाखों लाख वोट से कल का जो 11 तारीख का मतदान है, जनता उनके साथ उमड़ रही है। उनके हर कार्यक्रम में, चाहे राहुल जी की रैली रही हो या उनके जितने भी नुक्कड़ कार्यक्रम रहे हों, उनका जनसंपर्क अभियान जो रहा हो, जनता उसमें अपार भीड़ के साथ अपना जन समर्थन दे रही है। हमको जो मेरा अनुभव लग रहा है एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता, और जो हम लोग जनता के ऑब्जर्वेशन जो हम लोग कर रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है और हम लाखों लाख वोटों से नाना भाऊ पटोले, जनता, यहाँ की जनता उनको आशीर्वाद देने जा रही है, ऐसा मुझको प्रतीत हो रहा है। और कल का दिन एक निर्णायक दिन है। हम लोग हर तरफ चौकसी से निगाह रखे हैं। हमारा जितना भी कांग्रेस का वर्कर है इस समय, तो ये पोजिशन कि हमारा वोटर ही, यहाँ का वोटर जो नागपुर का है, वो वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है। ये एक बड़ी खुशी की बात है। और ये नागपुर जो भारतीय जनता पार्टी का और संघ का गढ़ होता है, इस किले को हम लोग फतेह करने जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस का तिरंगे का परचम लहराने जा रहे हैं। सर, पिछले एक हफ्ते पहले की अगर मैं बात करूं तो यूपी के दौरे में मैं भी था। इलाहाबाद और बनारस में जब मैंने सर्वे किया तो यूपी की जनता से ये सुनने पर मिला कि दोनों 50-50, तो 50-50 मान के चले या फिर मैं उत्तर प्रदेश, मतलब बालकाल से मैं उत्तर प्रदेश के, मैंने 20 चुनाव देखे हैं। और जो मेरा अनुभव है, आज जो जनता बीजेपी के खोखले और धोखेबाजी के जो नारे स्लोगन दिया इस सरकार ने, आज जनता इनको जवाब देने जा रही है। जितना पढ़ा लिखा गुमराह, जो नौजवानों गुमराह कर दिया था इस सरकार ने, और सबसे बड़ा इसमें दोषी मैं मानता हूँ इस देश की जो मीडिया है, मीडिया के लोगों ने नोटबंदी को, जनता त्राई त्राई मची थी, लेकिन वो जो माइक जाते थे वो जो बीजेपी की पिट्ठू लोग थे, जो पेड लोग थे, उनके बीच में जाके ये कहा जाता था कि नहीं वो नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जनता में अमन है और लोग सुखी महसूस कर रहे हैं। ये मानते हैं आप जो मैंने कहा 50-50 यूपी कहती है तो? नहीं, हम उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाने जा रहे हैं। आज आदरणीय प्रियंका जी, राहुल जी, जिस तरीके से राहुल जी इस दो नेक्सस से लड़ रहे हैं, और मैं बताऊँ, ये अगर मैं नेक्सस बताने लगूँ, 4 नेक्सस हैं। सबसे बड़ा गठजोड़ जो इस सरकार का है पूंजीपतियों से, नंबर एक पूंजीपति, जिसमें अडानी, अंबानी और देश के 25 ऐसे प्रमुख औद्योगिक घराने जिसपे इस सरकार के मुखिया का नेक्सस है। दूसरा फिर आता है मीडिया नेक्सस। वो मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है कि जैसे कोई मतलब ईश्वरी शक्ति बोल रहा हो, मतलब मोदी जी मनुष्य नहीं है, जैसे देव रूप में इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें अब छुपने वाली नहीं है। झूठ का घड़ा भर चुका है। अब मोदी जी का अंत इसी 19 के चुनाव में इस देश की जनता करेगी। और राहुल जी को जिस तरह अपार समर्थन, अपार आशीर्वाद, प्रियंका जी को अपार समर्थन, अपार आशीर्वाद इस देश की जनता दे रही, किसान दे रहा, नौजवान दे रहा है, दबे कुचले, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड, पिछड़े, सब दे रहे हैं। आप देखिए, आश्चर्यचकित परिणाम आएंगे जो ये जितने भी सर्वे दिखाए जा रहे हैं, इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, बनारस के मुद्दे में आपके पास आऊँगा मैं, लेकिन मेरे साथ नागपुर से युवा कार्यकर्ता और कांग्रेस के डेसिंग लीडर माने जाने वाले समीर जी भी मौजूद है। समीर जी, नागपुर की अगर मैं बात करूँ, जैसे पहले मैंने भाषा यूज़ किया कि कत्ल की रात, इस रात में नागपुर की एक एक गली, एक एक मोहल्ले से आप वाकिफ है, कितनी निगाह रखेंगे या फिर कितने अपने कार्यकर्ताओं को द्वारा CCTV जो दौर चल रहा है, CCTV के जरिए कितने निगाह रख सकते हैं आप लोग? हमको तो आज के तारीख में ऐसा लगता है जैसे हमारे माननीय प्रभारी जो है दिल्ली से, उन्होंने कहा है चुनाव तो हम जीत गए हैं, बशर्ते है कि जो EVM का मसला है वो अगर ऑनेस्ट जिस तरीके से होता है पोल उस तरीके से हो। रही बात कत्ल की रात की, तो आज के तारीख में नागपुर की जनता ने ठान लिया है कि नाना भाऊ पटोले ही उनके अगले यहाँ से खासदार रहेंगे, और यहाँ का जो वोटर है, जो मतदाता है, वही हमारा CCTV का काम करेगा। और जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ कोई हो सकती है, क्योंकि ये चुनाव ऐसा नहीं है कि ये चुनाव जनता और सरकार के बीच का चुनाव है, और जनता ने ये सोच लिया है कि इस जो सरकार है ये सरकार नहीं है, ये नरभक्षी सरकार कहूँगा मैं इसको। इन्होंने जिस तरीके से गरीबों को, जवानों को, हर एक को कुचला है, इन्होंने, मैं तो कहूँगा कुचला है, बाकी इसके सिवा दूसरा कोई शब्द नहीं है। और जनता ने ठान लिया है कि नाना भाऊ पटोले ही उनके अगले
यहाँ से एमपी रहेंगे और 23 मई की सुबह नई सुबह रहेंगे राष्ट्र के लिए, गांधी विचारधारा के लिए, और कांग्रेस ही इस देश को दिशा दे सकती है। कांग्रेस ही इस देश को दिशा दे सकती है और सारे कार्यकर्ता नागपुर के बिल्कुल एक एक सीसीटीवी की तरह कदम जमाए रखेंगे। हम बात कर रहे थे बनारस की, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं चूँकि किसान कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ और मुझे बनारस में ड्यूटी मिली थी काम करने को किसानों के बीच में, तो मैं बताना चाहूँगा, मैं आश्चर्यचकित रहा जब बनारस में, तो सोच रहा था प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र तो कायाकल्प हो गया होगा, क्योंकि जैसे सपने उन्होंने गंगा की कसम खा के लोगों को दिखाए थे कि काशी को हम टोक्यो बनाने जा रहे हैं। तो मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है तो वो किसान, किसानों की जमीन औने पौने में एक्वायर कर ली गई, उनको मुआवजा सर्किल कहीं सर्किल रेट से दे रहे हैं, कहीं उससे आधा दे रहे हैं, जबकि हमारा जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर 2013 में राहुल गांधी जी द्वारा एक जो सर्वोच्च बिल था, भूमि अधिग्रहण बिल, जो सर्वसम्मति से पारित किया गया था, उस बिल के तहत 4 गुना मार्केट वैल्यू से 4 गुना जमीन की मुआवजा सरकार के द्वारा किसान को मिलना चाहिए, जो अगर प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में वहाँ के किसानों को भूमि अर्जन के बाद अगर उसका मुआवजा नहीं दे पाए हैं तो देश के किसानों के साथ तो कहीं न्याय हो ही नहीं सकता। वहाँ का एक एक किसान आंदोलनरत है, वहाँ हजारों एकड़ जमीन किसानों से एक्वायर की गई है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को वहाँ उद्योग लगाने के लिए औने पौने दाम पर दी जा रही है, उद्योग कहीं नहीं लगा, डेवलपमेंट के नाम पर पूरे काशी को तोड़ के रख दिया है। काशी में अगर आप दर्शन करने कभी बाबा विश्वनाथ के लिए जाएं तो 2 घंटे में गाड़ी से हम शहर क्रॉस नहीं कर सकते। आम जन त्रस्त है, लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए ये सोचता है कि 2 घंटे 4 घंटे में मैं कहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। पूरा काशी टूटा पड़ा हुआ है, किसान वहाँ दुखी है, आम जन दुखी है, और मैं तो कहता हूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं हो कि अगर वहाँ कोई ईवीएम की सेटिंग नहीं हो तो मोदी जी चुनाव काशी से हार रहे हैं। बात घूम फिर के एक ही जगह आ जाती है कि ईवीएम की सेटिंग अगर ना हो तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, और काशी की अगर बात की गई तो वाकई पे काशी पे निगाह उठाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवस्था अव्यवस्था पे नज़र आती है। अब देखना ये होगा 27 मई देश को किस तरफ रुझान देती है। कैमरामैन अल्तमश के साथ सलीम रहमान, INN 24 न्यूज़।